हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एंड यूज्ड सबमर्सिबल पंप मोटर का मिनिमम आयर वैल्यू कितना होना चाहिए और आयर वैल्यू टेस्ट कैसे करते हैं जानते हैं। यानी यहाँ पर सबमर्सिबल पंप मोटर आउट ऑफ वेल विदाउट केबल, यानी जो सबमर्सिबल पंप है उसमें केबल नहीं लगा हुआ है और वेल के बाहर है, यानी पानी के बाहर में है जब वो मोटर हो, और वो न्यू मोटर हो तब उसका मिनिमम आयर वैल्यू कितना होना चाहिए, 20 मेगा होना चाहिए। और जब मोटर यूज्ड मोटर जो वह मोटर यूज किया गया हो तब उसका मिनिमम आयर वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 मेगा होना चाहिए। यानी उसमें केबल भी ना लगा हो और यूज किया हो, कितना होना चाहिए, 10 मेगा होना चाहिए। और वो सबमर्सिबल पंप जो केबल के साथ में हो और बेल में हो, यानी पानी के अंदर हो और न्यू मोटर हो, तो मिनिमम आयर वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 मेगा होना चाहिए। और जब वह पंप जो है यानी मोटर यूज किया गया हो और पानी के अंदर हो, केबल उसमें लगा हो, तब उसका आयर वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.5 मेगा होना चाहिए। आयर वैल्यू टेस्ट कैसे करते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सेंसर पंप दिखाया गया है और यहाँ पे एनालॉग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर और डिजिटल इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर दिखाया गया है। यहाँ पे हम एनालॉग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर से इस पंप का एयर वैल्यू कैसे टेस्ट करेंगे जानेंगे। ये एक हैंडल दिखाया गया है, इसमें 0 to ∞ तक मेगा ओम का इसमें रेंज का इसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है 0 to ∞ तक। यहाँ पे एक गार्ड अर्थ एंड लाइन टर्मिनल होता है जिसमें लीड लगा रहता है। इस हैंडल को 120-130 RPM पे क्लॉक वाइज में इसको रोटेट करते हैं जब टेस्ट करने के टाइम में। इस मोटर को हम लोग अभी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो इस मेगर है, मेगर को क्या करेंगे, इसमें जो लीड अर्थ एंड लाइन को कनेक्ट करेंगे इस RYB एंड इसको जो ब्लैक कलर है इसको हम अर्थ मान लेते हैं। अर्थ जो है यहाँ पे आके बॉडी से अंदर से कनेक्ट होगा एक AL को रेड के साथ में, और इसका जो अर्थ पॉइंट का जो लीड है इसके पंप के अर्थ बॉडी से इधर कनेक्ट करेंगे। फिर इसके हैंडल को क्लॉकवाइज यानी 120-130 RPM में रोटेट करेंगे तो जो इसका रीडिंग आएगा इधर नोट करेंगे। फिर उसी तरह अर्थ वाला वही उसको रखेंगे लीड को लाइन वाला वाई के साथ में टच करके, यानी ये सेपरेट रहना चाहिए, आपस में टच नहीं रहना चाहिए जो जो इसके कंडक्टर हैं 3 फेस एंड अर्थ का। फिर वाई और अर्थ के साथ में जब कनेक्ट करके इसको रोटेट करेंगे क्लॉक वाइज में 120-130 RPM पे, तो जो रीडिंग आएगा उसको लिखेंगे। उसी तरह बी के साथ में और अर्थ के साथ में कनेक्ट रहेगा, फिर इसी तरह ऐसे चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको नोट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह हमने बताया आपको समझ में आ गया हो। अगर आ गया प्लीज़ इसको लाइक करिए और कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।